हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई SSD। सामने अपने हैं ऑल न्यू 2023 टाटा पंच। अगर आप भी अपनी फैमिली के लिए सेफिस्ट मिनी SUV ढूंढ रहे हैं, बजट नहीं है 24 से 25 लाख का सफारी टाटा हैरियर का लेने का, तो भाई इस गाड़ी को इग्नोर करना बेवकूफ़ी की बात होगी। आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आऊँ कि आपकी फैमिली को ये गाड़ी देती है नंबर वन की सेफ्टी। सेफ्टी की बात करें तो सारे आपको फीचर मिल जाते हैं। BS6 फेस लिफ्ट अपने सामने है न्यू। वेरिएंट की बात करें तो अपने सामने फिलहाल में अपने पास वेरिएंट है टाटा पंच 1.2 लीटर रिवोटन इंजन ऑफर किया जाता है, 1200 CC का 3 सिलेंडर, जो कि अपनी अच्छी खासी पावर प्रोड्यूस करता है। 85 BHP 113 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। आ जाते हैं फ्रंट में देखते हैं। सबसे पहले अपना टाटा का लोगो मिल जाता है। जब ग्रिल पे आपकी नजर जाती है तो आपको किसकी याद दिलाती है? नेक्सोन की याद दिलाती है। पियानो ब्लैक फिनिश में उसमें भी ऑफर की जाती है। यहाँ पे अपना हॉर्न की प्लेसमेंट मिल जाती है, ये जो आपको छेद से दे रखे हैं 5-6। यहाँ पर देखते हैं जो अपना क्रोम का यूज मिलता है, जहाँ पे अपनी DRL है वहाँ से लेके दूसरे DRL सेक्शन तक आपको टोटल क्रोम का यूज मिलता है, जो कि लुक को और ज़्यादा सामने से इन्हेंस करता है, अच्छी लगती है। यहाँ पे अपने को LED DRLs मिल जा रहे हैं। ऊपर इंडिकेटर की बात आती है तो आपको यहाँ पे अपने कोने में इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है, हेलोजन इंडिकेटर है। नीचे आ जाते हैं तो अपना लो बीम के लिए अपना प्रोजेक्टर हेडलैम्प ऑफर किया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अपनों को मिल जा रहा है हाई बीम के लिए अपना, यहाँ पे नॉर्मल ही आपको मिल जा रहा है हेलोजन लैंप। इस तरह से पूरा यूनिट, यहाँ पे एयर का भी सिस्टम आपको मिल जाता है, जहाँ पे मैंने अभी हाथ को घुसाया था। साथ ही भाई नीचे की बात करें, आपको फोग लैंप भी ऑफर किया जाता है। एंड यहाँ पे देखते हैं ऑल ब्लैक पूरा रेडिएटर अपना, यही ग्रिल का काम करता है। ग्रिल छोटी मिलती है ना, कोई बात नहीं है भाई, बिग साइज का आपको नीचे ग्रिल टाइप का पूरा यूनिट मिल जा रहा है। यहाँ पे एरोप्लेन वाला शेप है नंबर प्लेट की जगह। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो अच्छा मिल जाता है, 187 mm का, 187 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस है। इस तरह से हो जा रही है फ्रंट प्रोफाइल अपनी डंड। आ जाते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल में, कीमत की भी बात करेंगे। कीमत की बात करें एक्स शोरूम पड़ जा रही है 8,46,000। ऑन रोड की बात करें सब कुछ मिला के 9,49,178 रुपये ऑन रोड पड़ जा रही है, बहुत बढ़िया। ये है कुछ साइड प्रोफाइल। लेंथ की बात करते हैं 3827 mm। विड्थ की बात करें जो गाड़ी की चौड़ाई है 1742 mm। यहाँ पे देखते हैं व्हील बेस को कितना मिल जा रहा है, 2435 mm का। ग्राउंड क्लीयरेंस 187 mm का मैंने बता दिया। आ जाते हैं गाड़ी के ORVM पे। यहाँ पे थोड़ा सा स्पोर्टी करेक्टर में रंग दिया है टाटा ने। यहाँ पे अपनों को जो अपना व्हाइट पार्ट मिल रहा है, नीचे कोई भी कैमरा वगैरह नहीं है, यहाँ पे अपनी टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जा रही है। ये है अपना टायर प्रोफाइल। यहाँ पे डायमंड के डुअल टोन में एलॉय व्हील मिलते हैं। यहाँ पे अपना टाटा का लोगो हो गया। इस तरह से पूरा आपको चार आपको पेज मिल जा रहे हैं। नट यहाँ पे अपने मिल जा रहा है, डिस्क ब्रेक फ्रंट साइड में, रियर साइड में ड्रम ब्रेक। अति कहाँ का है अपना प्रोफाइल, ये रहा 195/60 और 16 इंच की पूरी प्रोफाइल मिलती है, जो कि गाड़ी के साथ अच्छी खासी ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं आप। इस तरह से फुल बॉडी ग्लाइडिंग मिल जा रही है, बॉडी पे चौड़ी चौड़ी है अपनी। यहाँ पे सेम बॉडी कलर डोर हैंडल मिलते हैं। पिलर्स को देखते हैं आपको तो इस तरह से ब्लैक पिलर ऑफर किए जाते हैं, भाई कॉम्बिनेशन मस्त लग रहा है। रियर साइड में अपने ड्रम ब्रेक ऑफर किए जाते हैं आपको, यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है। ग्राउंड क्लीयरेंस मैंने बता दिया। ये अपना फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें, ये मिल जा रहा है 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इस तरह से साइड प्रोफाइल हो जा रही है डन। यहाँ पे आ जाते हैं, ये चमक रहे नहीं जाते, एरोप्लेन वाला पहले तो आपको शेप मिल जाता है पूरा, आपको LED में पूरा ये आपको सेक्शन मिल जा रहा है इस तरह से प्लेन के शेप में। यहाँ पे अपने इंडिकेटर हो गया, रिवर्स लाइट आपको नीचे ऑफर की, यहाँ पे अपने को ऑफर की जाती है अपनी रिवर्स लाइट नीचे, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे देखते हैं अपनों को रिफ्लेक्टर इस तरह से मिल जा रहे हैं, वही अपना एरोप्लेन का शेप पीछे भी मिल जा रहा है। इस तरह से ऑल ब्लैक प्रो बम्पर है। यहाँ पे अपनी भाई देख रहे हो पिन्नी बिन्नी भी अभी नहीं छूटी है, ऑल न्यू आई है बिल्कुल शोरूम में। यहाँ पे अपना ये हो गया वाइपर, यहाँ पे अपना हो गया डिफोगर, सब कुछ मिल जा रहा है। यहाँ पे रियर हाई स्टॉप माउंट लैम्प मिल जा रहा है, उसी में आपको स्पॉइलर मिलता है। ये रहा अपना टाटा का लोगो पीछे। यहाँ पे आपको पीछे भी कैमरा, आपको पीछे कैमरा ऑफर किया जाता है, फ्रंट में कुछ कैमरा नहीं मिलता। पंच की बैजिंग इस तरह से मिल जा रही है, बहुत बढ़िया। ये हो गए अपने पार्किंग सेंसर, कितने हैं भाई, दो ही पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। आ जाते हैं गाड़ी के बूट स्पेस पे। बूट स्पेस की बात करें सबसे पहले एडजस्टेबल फैंसी डिजाइन में आपको ट्रे मिल जा रही है, हटा के भी रख सकते हैं, ठीक है भाई, अगर सामान ज्यादा है अपना। यहाँ पे हेलोजन, हाँ हेलोजन में लैंप मिल जा रहा है, उसी के साथ साथ हुक मिल गया 1 किलो का, आपको पिन्नी विन्नी टांग सकते हैं पीछे भी, एक हुक एरिया, दो दो आपको हैंगर मिलते हैं, बहुत बढ़िया। स्पेयर बेल्ट टायर की बात करें तो पर्दा उठा लेते हैं, कहाँ गया, ये रहा अपना स्पेयर बेल्ट टायर। स्टील रिम आपको ऑफर किया जाता है सेम प्रोफाइल के साथ। बूट स्पेस की बात करें 366 लीटर का बूट स्पेस है। इस तरह से हो जा रही है डन बैक प्रोफाइल। आ जाते हैं बढ़ लेते हैं थोड़ा सा गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में यहाँ आने से देखो भाई, पहले सबसे पहले इंटीरियर से पहले तो कीलेस एंट्री आपको मिल जा रही है इस तरह से। ये है कुछ डोर ट्रिम, 90 डिग्री तक आपका ओपन होता, पूरा ओपनली होता, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अपनों को हार्ड डिटेक्चर, ये भी अपना हार्ड डिटेक्चर है, व्हाइट वाला जो है मस्त लग रहा है ना व्हाइट कलर।
यहाँ पे ऑल फुल चारों पावर विंडो मिल जा रहे हैं। यहाँ पे अपने ओरबीएम्स के कंट्रोल, उसी के साथ साथ चाइल्ड लॉक, इस तरह से अपने मिरर को कर सकते हैं यहाँ से एडजस्ट। ये अपने डोर हैंडल हो गया, यहाँ पे अपने को ट्यूटर हो गया, यहाँ पे अपने को बोतल स्पेस, अपना छतरी रखने के लिए भी आपको स्पेस मिल जा रहा है, जगह मिल जा रही है। और क्या है, हाँ यहाँ पे अपना हो गया स्पीकर, इस तरह से है डोर ट्रिम, बहुत बढ़िया। इंटीरियर में भाई बाद में आएंगे, लग्जरी प्रीमियम बाद में दिखाएंगे, पहले करते हैं सीट की बात। सीट की बात करें, हाइट एडजस्टमेंट आपको मिल जा रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं। और क्या चीज़ें, हाँ सीट की अंडर थाई सपोर्ट, अंदर थाई सपोर्ट की बात करें भाई, मस्त मिल जा रही है, गुड, बहुत बढ़िया मिल जा रही है। बात करते हैं तो फैब्रिक में सीटें अपनी, इस तरह से हेड रेस्ट की बात करें आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। आ जाती है बात इंटीरियर की, इंटीरियर में और देख लेते हैं, बहुत बढ़िया बैठ लेते हैं इस तरह से। ये है कुछ स्टीयरिंग, सबसे पहले अपने अंदाज में करते हैं अपना दरवाजे को बंद। क्या बात है भाई, अंदर की जो फीलिंग है, अंदर की जो प्रीमियमनेस है ना, यहाँ पे दिखाई देती है। टाटा तो भाई फीचर्स तो देते देता, प्रीमियम एक नंबर है। अंदर देख रहे हो भाई, ये देखो है हार्ड टेक्चर, पर आम जब बैठते हैं ना फीलिंग आती है आपको, कहे कि लेदर वेदर दे रखा है, क्योंकि अपना जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे देखते हैं व्हाइट हो गया, या अपना थोड़ी सी मार्बल फिनिशिंग आ गई, उसके ऊपर आ गया अपना हार्ड टेक्चर ब्लैक कलर, इस तरह से है इंटीरियर, बढ़िया। स्टीयरिंग पे आ जाते हैं, स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं स्टीयरिंग को ओवरऑल, ये है कुछ अपना स्टीयरिंग। सबसे पहले काय की बात करते हैं, यहाँ पे अपना टाटा का लोगो मिल जाता है। ये जो कंट्रोल मिल जा रहे हैं, ये अपने मिल जा रहे हैं भाई मल्टीमीडिया के, ये अपनी डिस्प्ले आ जाती है भाई हैरियर तक में, ऐसी डिस्प्ले ऑफर की जाती ही अब तक, ठीक है। अब तो भाई उसका फेस लिफ्ट आ गया है, उसका भी जल्दी आपको रिव्यू मिल जाएगा। आ जाते हैं फिर से अपने स्टीयरिंग पे, यहाँ पर देखते हैं तो ये गाड़ी के अंदर अपना क्रूज कंट्रोल आ जाता है सामने का, कर ले ऑन, कहाँ है गाड़ी का इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये है इसकी प्लेसमेंट, इधर मिल जा रहा है, दबाते हैं इसको, सामने के नज़ारे और देख लेते हैं। ये गई अपनी सुई इस तरह से फरारी की, आ गई वापस, ये अपने आ जाते हैं, इधर मिल जा रही है पूरी ज्वाइंट डिस्प्ले मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पे अपनी गाड़ी दो, अभी सिटी मोड में, मोड कितने मिल जा रहे हैं, मोड देख लें, कहाँ गए अपने मोड के बटन, ये हैंगे, देखो मैं जैसे यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो अपने जो मोड के बटन है यहाँ पे बोलती हुई भाई, अभी देखेंगे उसको आगे। बात करें क्लस्टर की, ये है कुछ क्लस्टर, यहाँ पे अपना आरपीएम मीटर हो गया, ये अपने सामने एमआईडी होगी, इसी में ज्वाइंट, यहाँ पे अपना किलोमीटर रेंज ट्रिप वगैरह सब कुछ आपको यहीं पे शो करेगा, अपना यहीं से कर सकते हैं ट्रिप है, ट्रिप भी किलोमीटर रेंज वगैरह सारा सब कुछ कहाँ से कंट्रोल करेंगे, यहाँ से कर सकते हैं, ये जो कंट्रोल दे रखे हैं। इसी के साथ अपने हॉर्न की प्लेसमेंट मिल जा रही है, इधर देखते हैं तो ये अपना स्पीडोमीटर 220 की स्पीड मिल जाती है। यहाँ पे अपने वाइपर के कंट्रोल हैं, ये अपने लाइट के कंट्रोल है। एडजस्टमेंट की बात कर लें तो देख लेते हैं क्या मिल जा रहा है आपको, ये रहा लीवर इसका, तो ये हुआ अपना नीचे ऊपर, पर टिल्ट मिलता है, कोई भी टेलीस्कोप नहीं मिलता क्योंकि आगे पीछे नहीं हो रहा इस तरह से, ठीक है। ये अपना हो गया थोड़ा सिल्वर टेक्चर, उसी के साथ साथ डी कट में स्टेयरिंग है। टिकट होल्डर की बात करें, कोई भी मिरर नहीं है अपना, यहाँ पे आपको लैंप जरूर मिल जा रहा है अपना हैलोजन में लैंप, अपना ये अपना कोलिंग का माइक हो गया, इधर आपको मिरर मिल जा रहा है भाई मुंह देखने के लिए, साथ साथ एयरबैग की बैजिंग मिल जा रही है, बहुत बढ़िया। ये अपना ग्रैब हैंडल हो गया। आ जाते हैं फिर से अपने कहाँ पे, सेंटर कंसोल पे। सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पे आपको टच स्क्रीन ऑफर की जाती है, अपनी हरमन का म्यूजिक सेटअप मिलता है आपको, पूरे एंड्रॉइड टोटो एंड एप्पल कार प्ले दोनों चीज़ें मिल जा रही हैं। एसी के वेंट सराउंडिंग में हो गई, अपना टुक टुक भाई, अपना हजार लाइट को ऑप्शन मिल जा रहा है। नीचे आते हैं तो ये अपना भाई डैशबोर्ड एरिया का पार्ट है, अपना नीचे आ जाते हैं, ये है कुछ आपको सारे कंट्रोल जो है इस तरह से बटन की यूनिट में मिल जा रहे हैं मैनुअली अपने। यहाँ पे देखते हैं ये अपना हो गया एसी का, ठीक है, बंद करते हैं तो यहाँ से करनी पड़ेगी ऑफ, अभी एसी होगी चालू, ऑफ कर दो, यहाँ पे मिल जा रहा है, इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ से भी कर दो इसको ऑफ, बहुत बढ़िया। ये अपने पंखे वंखे चल जाते हैं, ये अपना एसी का हो गया। नीचे आपको ये दे रखा है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, हाउसिंग मिल जा रही है, और क्या है यहाँ पे अपना यूएसबी का सपोर्ट, यहाँ पे अपने को फ़ोन रखने के लिए काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है। ये अपना हो गया भाई, यहाँ से भी कर सकते हैं ऑटो अपने, यहाँ से देखो मैन रखा अपना, बंद कर दो। ये है गाड़ी का गियर नॉक, गियर नॉक की बात करें तो 5 स्पीड गियर बॉक्स है, ट्रांसमिशन मैनुअल अपना इस तरह से पूरा ओवरऑल मिल जा रहा है। यहाँ पे अपनों को यहाँ पे मिल जा रहा है कुछ स्पेस मिल जा रहा है, और क्या चीज़ है, यहाँ पे भी चार्जिंग सॉकेट, या अपना हैंड ब्रेक, दो का फोल्डर यहाँ पे मिल जा रहे हैं, आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है। बात आ जाती है काय की बात चल रही थी अपनी, जो अपनी सिटी मोड में थी उसकी बात चल रही थी ना, हाँ अब दिखाता हूँ। यहाँ पे अपने एसी का वेंट हो गया, ये देखो ये जो अपने दो बटन दे रखे हैं ना, मैं दबाता हूँ, देखो आवाज़ सुनना तुम, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, और सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, देखो भाई
इकोनॉमी दो मोड आपको मिल जाते हैं। जब बोलती है यार कितने प्यार से बताती है, यहाँ पे इस तरह से इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जा रहा है, काफी सारा ट्रांसमिशन तो है ही। मैनुअल IRBM की बात नहीं हुई तो आपको मैनुअल ही मिल जा रहा है। अपना जो IRBM है ये खुंटी होगी, कोई भी यहाँ पे आपको सनरूफ तो आता नहीं है भाई, तो कंट्रोल कहाँ से मिलेंगे। ये था ओवरऑल पूरा इंटीरियर। अब गाड़ी के रियर साइड की और बात कर लेते हैं, कैसा स्पेस मिलता है। अब बात आ जाती है अपने रियर साइड की, उसमें और देख लेते हैं। विंडो की जब बात आती है ना भाई, 90 डिग्री तक अपना ऊपर रहता है, 90 डिग्री तक बहुत बढ़िया। कहाँ है भाई ये आर में नीचे ढूंढ रहे हो, ऊपर अपना भाई डोर हैंडल, इस तरह से मैं स्विफ्ट समझ रहा था भाई, गलती हो गई। ये है अपना डोर ट्रिम की बात करें, पूरा आपको वही थिंकिंग मिल जा रही है। हार्ड टेक्चर भाई, ये अपना ब्लैक हो गया, यहाँ पे अपने को मिल जा रहा है डोर हैंडल, ये अपना ट्यूटर मिल जाता है, नीचे स्पीकर हाँ मिलता है, ये अपना पावर विंडो हो गया उससे पहले, और अपना बोतल स्पेस, यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट स्पेस, ये रहा अपना स्पीकर। 4x4 का सेटअप मिलता है, क्या बात है भाई। यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट की बात करें, रियर साइड में बढ़िया मिल जा रही है। सीट अपनी फैब्रिक की है, इस तरह से एरोप्लेन वाला अपना पीछे भी आपको टेक्चर है। हेडरेस्ट की बात करें, पीछे अपने दो मिलते हैं, दोनों के दोनों एडजस्टेबल है, आगे के भी टोटल अपने चार मिलते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये था कुछ रियर साइड का अपना सिस्टम, इस तरह से हो जा रहा है बिल्कुल भाई अपना रिव्यू कंप्लीट। साथ ही साथ अब बात ये थी गाड़ी की सेफ्टी की, सेफ्टी में आपको क्या क्या मिल जा रहा है। सबसे पहले तो आपको BS6 मिल जा रहा है, ABS, EBD, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, चाइल्ड लॉक वगैरह सारे सिस्टम आपको मिल जा रहा है पंच के अंदर। वेरिएंट की बात करें फिर से बता देता हूँ, टाटा पंच क्रिएटिव 1.2 मैनुअल वेरिएंट अपने सामने है। कीमत मैंने बता दिया इस तरह से, एक बार चौड़ाई बता देता हूँ, चौड़ाई रहेगी ना 1742 mm गाड़ी की चौड़ाई मिल जाती है, रोड प्रेजेंट जो है इस तरह से कंप्लीट हो जा रहा है। साथ ही साथ वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।